नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सप्लोरर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों का। भगवान की लीला को समझ पाना हमारे और आपके बस की बात नहीं है। भगवान की लीला तो अपरंपार है। वो कब क्या दे दे, कब क्या ले ले, किसी को नहीं पता। भगवान देने वाले हैं तो भगवान लेने वाले भी हैं, लेकिन भगवान देते ज़्यादा हैं, लेते बहुत कम हैं। ये मेरा अनुभव है। तो इसी कड़ी में भगवान आपको सितंबर माह में बहुत सारे शुभ संकेत देने वाले हैं। अब ये संकेत ऐसे संकेत होंगे जो छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर ले जाएंगे, महिलाओं को महिलाओं के क्षेत्र में ऊपर लेके चले जाएंगे, नौकरी करने वालों को नौकरी के क्षेत्र में ऊपर लेके चले जाएंगे, व्यापार करने वालों को व्यापार के क्षेत्र में ऊपर लेके चले जाएंगे। जिसका जो काम, उसी से रिलेटेड तरक्की के संकेत आपको मिलेंगे, ताकि आप और ज़्यादा तरक्की करके जीवन में और ज़्यादा सफल हो जाए, आपका जीवन सुखी रहे। क्योंकि भगवान तो आपका सच्चा मित्र है। भगवान को आप चाहे याद करें या ना करें, भगवान आपको जरूर आशीर्वाद देता है। और आशीर्वाद देने का उसका तरीका है कि बढ़िया बढ़िया संकेत दिए, आपके लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। ये उसका आशीर्वाद देने का तरीका है, अंदाज है। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा होता है। अब दोनों में बड़ा ही कंफ्यूजन है कि देने वाला बड़ा है कि लेने वाला बड़ा है। मेरे हिसाब से दोनों ही बड़े हैं। जितना बड़ा दिल देने वाले का होता है, उतना ही बड़ा दिल लेने वाले का होता है। तो दोनों ही एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं। जब दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ना देने वाला बड़ा हुआ ना लेने वाला बड़ा हुआ, दोनों प्यार के रिश्ते से बंधे हुए हैं। और प्यार न बड़ा होता है न छोटा होता है, प्यार में सिर्फ अपनापन होता है। और इसी अपनापन को दिखाकर भगवान ने सितंबर महीने में आपको 5 शुभ संकेत दिए हैं, जो आपके जीवन में खुशियां लेकर आएंगे। और आपको यकीन करना होगा कि इन संकेतों के माध्यम से आपको वो सारी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी जो खुशियां आपने जीवन में अपने लिए सोच रखी थी। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का, और जानते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक जातिकाओं को क्या शुभ संकेत सितंबर माह के महीने में मिलने वाले हैं। और यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि पर और लग्न राशि पर आधारित होगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो अभी करें और जुड़ जाएं चैनल के साथ। तो भगवान जो संकेत आपको दे रहे हैं, ये संकेत मामूली नहीं, बहुत शक्तिशाली और फलदायी हैं। तो पहला शुभ संकेत आपको देंगे देव गुरु, जो ज्ञान के गुरु हैं, जो देवताओं के गुरु हैं, जो धन कारक ग्रह हैं, जो शुभ ग्रह हैं, जो धर्म कर्म से जोड़ते हैं। तो ऐसे महान देव गुरु बृहस्पति आपको एक तरफ अध्यात्म से जोड़ेंगे और आपको एक तरफ ज्ञान से जोड़ेंगे। तो आपको ज्ञान और अध्यात्म दोनों का संपूर्ण मिश्रण देव गुरु बृहस्पति देकर आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला बनाएंगे। आपकी संतान बढ़िया परिणाम प्राप्त करेगी, आपको संतान का सुख मिलेगा। संतान सुख से जो लोग वंचित हैं, उनको संकेत मिलेंगे कि उनके घर में भी जल्द ही किलकारी गूंजने वाली है। एक के बाद एक नई खुशखबरियों के संकेत मिलेंगे, एक के बाद एक सफलता मिलती चली जाएगी। आपकी हर यात्रा में लाभ जुड़ा होगा। नौकरी, व्यापार, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ जुड़ा हुआ होगा। आप घर पर बैठे होंगे, फोन कॉल बजेगा या फिर लेटर आएगा कि आपकी नौकरी पक्की हो गई, आपकी प्रमोशन हो गई। ये सब संकेत हैं। ये सब संकेत कौन दे रहा है? ईश्वर दे रहे हैं। तो आपको नई नौकरी के प्रयासों में सफलता मिलेगी, ऐसे संकेत मिलेंगे। नौकरी नहीं है तो आपको कोई आके बता देगा, चाहे आपका मित्र हो, चाहे कोई आपका पुराना कलीग हो, कि देखो उस कंपनी में जाइए, वहां पर वैकेंसी खाली है। अब ये क्या था, किसी ने आपको बताया, ये संकेत था कि जाओ और जाके वहां पर इंटरव्यू दो। तो ऐसे शुभ संकेत आपको बहुत सारे मिलेंगे। बहुत लोग शादी को लेकर परेशान हैं, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो कोई अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बता देगा कि देखो फला फला घर में एक लड़का या एक लड़की जो है शादी के योग्य है, बहुत बढ़िया परिवार है, बहुत बढ़िया घर है, आप वहां पर बात चला सकते हैं,
आप जाएंगे बात चलाएंगे, बात पक्की हो जाएगी या होने की पूरी संभावनाएं बनेंगी। तो ये सब संकेत हैं जो संकेत ईश्वर आपको दे रहे हैं, और उन संकेतों से जुड़कर आप सफलता को प्राप्त कर लेंगे, लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो देव गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से जिसकी जैसी मनोकामना वैसा उसको फल निश्चित तौर पर मिलेगा। खिलाड़ी को खेल में विजय प्राप्ति होगी, पढ़ने वाले को पढ़ाई में, नौकरी करने वालों को नौकरी में, व्यापार करने वालों को व्यापार में, ईश्वर को मानने वालों को यानी धर्म की प्रवृत्ति से जुड़े लोगों को धार्मिक चीजों में मन लगेगा। यानी कि जो जिसको चाहिए, जो जिसकी इच्छा, वो निश्चित तौर पर देव गुरु बृहस्पति आपको सितंबर माह में देंगे। तो देव गुरु बृहस्पति को नमस्कार करना तो बनता है। आपके लिए दूसरा संकेत लेकर आ रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य। ग्रहों के राजा सूर्य के पिटारे से आपको 1 से 16 सितंबर के मध्य बहुत सारे शुभ संकेत प्राप्त होंगे। दशम भाव में स्वराशि के होंगे सूर्य। कर्म क्षेत्र में अपनी ही राशि में सूर्य का गोचर कुछ बढ़िया परिणाम आपके जीवन में लेकर आएगा। आपकी बुद्धिमानी और समझदारी का सारी दुनिया लोहा मानेगी। आप महत्वाकांक्षी होंगे और अमीर होंगे, या मैं कहूँ महाधनी होंगे। मन से भी धनी, तन से भी धनी, सेहत से भी धनी और दिमाग से भी धनी। हर तरीके से ग्रहों के राजा सूर्य आपको धनी बनाने वाले हैं और आपके काम का लोग लोहा मानने वाले हैं। आप किसी टीम का नेतृत्व करने की क्षमता रखेंगे। आपको ऐसे शुभ संकेत मिलेंगे कि आप अपनी टीम को वक्त से पहले उसके लक्ष्य तक लेकर जाने में सफल रहेंगे। आप किसी भी विभाग से जुड़े हो, नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, आप बड़े पदों पर जाने के आपको संकेत मिलेंगे। आपके सीनियर आपके काम को सराहेंगे। आपके नेतृत्व की क्षमता इतनी बढ़िया होगी कि आपको देश विदेश से नौकरियों के या आपको नए नए लोग अपने साथ जोड़ने का संकेत दे सकते हैं। आप इस ऑफिस में काम करते हैं, आपको दूसरे ऑफिस से बढ़िया कोई लेटर मिल सकता है कि आप यहाँ पर आइए हमारे साथ काम करिए, या कोई ऐसा संकेत मिल सकता है कि आपको कहीं दूसरी जगह काम करके और ज़्यादा पदोन्नति मिलने वाली है। तो बहुत सारे ऐसे शुभ संकेत होंगे जो आपके जीवन से जुड़े होंगे, घर परिवार से जुड़े होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आप विदेश जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन में कितनी खुशियां भगवान सूर्य लेकर आ रहे हैं। और जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हैं उनके लिए समय बढ़िया है। जो लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे संकेत लेकर आएगा यह सूर्य का गोचर। सूर्यदेव आपको उन सभी क्वेश्चंस आंसर की तरफ लेकर जाएंगे जो आपकी परीक्षा कंपटीशन में आ सकते हैं। यानी कि अपने आप आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मन में आपके भाव आएंगे, संकेत पैदा होंगे और आप उसको पढ़ेंगे और देखेंगे वही प्रश्न परीक्षा में आया और जो आपने तैयार किया था। तो ऐसे चमकेगी आपकी किस्मत। बात करते हैं तीसरे महाशुभ संकेत की। तो तीसरा महाशुभ संकेत आपको प्राप्त होगा बुध की कृपा से। बुध 11वें भाव लाभ भाव में स्वराशि के हो जाएंगे और अपनी उच्च राशि में होंगे। 10 से 28 सितंबर के मध्य आपके लिए खुशियों के संकेतों की लाइन लग जाएगी, दरवाजे खुल जाएंगे संकेतों के। आपकी बात बहुत गहरी होगी, आपकी बात में वो वजन होगा कि आपकी बात का दुनिया लोहा मानेगी। आप जो कह देंगे वो कह देंगे और दुनिया को मानना पड़ेगा। यानी कि आपका एक्सपीरियंस, आपके काम करने का तरीका आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगा। आपकी बात की वैल्यू होगी। इस जमाने में इंसान के बात की वैल्यू होना बहुत बड़ी बात है। आपको सफलता के बाद एक नए अवसर मिलते चले जाएंगे। आप कुछ नया सीखेंगे, अपनी दिमागी ताकत को बढ़ाएंगे। आप नए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप कुछ नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप किसी नई पढ़ाई लिखाई में जा सकते हैं। आप नौकरी व्यापार के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, पार्ट टाइम कोर्स कर सकते हैं, वीकेंड क्लासेस कर सकते हैं। तो बुध का यह परिवर्तन आपको कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र से बहुत जोड़ने वाला है। यानी जो पढ़ाई लिखाई आपको वक्त के साथ चला सकती है, जो ज्ञान आपको वक्त के साथ और आगे तरक्की दे सकता है, बुध आपको उनसे जोड़ने वाले हैं।
आप दुखी नहीं रहेंगे, आपके सुख आपके जीवन में आएंगे। आप लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं, आप राइटर बनना चाहते हैं, जोशी बनना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे शुभ संकेत मिलेंगे। आपकी वाणी का बहुत मधुर होना आपके व्यापार में बहुत बड़ी सफलताओं के संकेत लेकर आएगा। आप एक के बाद एक संकेत पाते चले जाएंगे और महाधनी होते चले जाएंगे। शत्रु दुश्मन भी आपको नमस्कार करेंगे। आप अपने वादे के पक्के होंगे और जो ठान लेंगे वो करके रहेंगे। इस समय अंतराल में बुध आपके जीवन में बहुत बढ़िया परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। आपको शिक्षित और बुद्धिमान बनाने वाले हैं, यानी कि आप इस समय अंतराल में अपने आप को अपडेट कर लेंगे नए जमाने के साथ। और जिसकी पढ़ाई लिखाई, जिसका ज्ञान बहुत तेज है, तो क्या आपको लगता है वो इंसान कभी पीछे रह सकता है? कभी नहीं। तो आप ज्ञानी बनने वाले हैं, महाज्ञानी। बुध ऐसे संकेत देंगे, बुध ऐसी चीजों से आपको जोड़ देंगे जहां पर ज्ञान शिक्षा आपके जीवन में आएगी और उसका उपयोग करके आप बहुत सफलताएं प्राप्त करेंगे। तो बुध को भी थैंक यू करना मत भूलिएगा। बात करते हैं चौथे शुभ संकेत की। आपको चौथा महाशुभ संकेत प्राप्त होगा मंगल सूर्य की युति से। युति दशम भाव में होगी। 1 से 16 सितंबर तक आप इन दोनों ग्रहों की युति के कारण बहुत बलशाली महसूस करेंगे अपने आप को। यानी कि आलस नाम का शब्द नहीं होगा आपके जीवन में। आपके शरीर में साहस होगा, उत्साह होगा और कुछ कर गुजरने की इच्छा होगी। तो आप पराक्रमी होंगे, यानी कि चुस्त दुरुस्त और अलर्ट होंगे। आप बहुत ही महत्वाकांक्षी होंगे। दोनों ग्रह बहुत ही तेज ग्रह हैं और इनका शुभ संकेत आपके जीवन में आलस को दूर भगाते हुए कोई बड़ा काम आपसे कराएगा, और ऐसा बड़ा काम जिसको जमाना याद रखेगा, जिसको लंबे समय तक याद किया जाएगा। आपको भगवान इन ग्रहों के माध्यम से ऐसे संकेत दिलाएंगे कि आप एक कुशल राजा की तरीके से जीवन को व्यतीत करेंगे। राजा का काम होता है सभी पक्षों को सुनना, सभी जगह पर न्याय करना। तो आप जीवन के हर क्षेत्र में अपनी नौकरी से, अपने व्यापार से, अपनी शिक्षा से, अपने परिवार से, अपनी दोस्ती से, अपने रिश्तों से न्याय करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी जीवन का बैलेंस बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप किसी की बात को काटेंगे नहीं, बल्कि उसकी बात की वैल्यू करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं करना होता है तो बात काट देते हैं या कहते हैं नहीं तुम जो बोल रहे हो सब गलत है। आप इस समय अंतराल में वो भी कर दिखाएंगे जो लोगों को असंभव दिखाई पड़ता होगा। आप लोगों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, उनके एक्सपीरियंस से आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि आप जीवन में कोई ना कोई ऐसा काम इस समय अंतराल में जरूर करेंगे जो आपकी पहचान बनेगा। उस काम की वजह से लोग आपको नाम देंगे, इज्जत देंगे और आपको सम्मान भी प्राप्त होगा। आप एक क्रांतिकारी महिला, पुरुष या बच्चे हो सकते हैं। नौकरी में, व्यापार में, शिक्षा में, प्यार में, परिवार में आप कोई ना कोई काम ऐसा जरूर करेंगे जो लंबे समय तक याद किया जाएगा, जिसके लिए लोग उठकर खड़े होकर आपके लिए तालियां जरूर बजाएंगे। तो बस क्रोध और अहंकार से बचे रहे, क्योंकि सूर्य और मंगल क्रोध भी देते हैं, अहंकार भी देते हैं, और एक सफल व्यक्ति के अंदर थोड़ा क्रोध और अहंकार बनता है, लेकिन ज्यादा नहीं बनता है। तो क्रोध ना करें और वाणी को बहुत अच्छा रखें। फिर देखिए कैसे आप सूर्य और मंगल के द्वारा दिए जाने वाले इस संकेत से इस दुनिया पर छा जाते हैं, पराक्रम योग बनता है। यानी कि किसी से कोई डर नहीं और काम भी हम करेंगे मन का, और बढ़िया करेंगे, और ऐसा काम करेंगे कि दुनिया सलाम करेगी। बहुत बहुत बढ़िया। जो लोग डॉक्टर हैं, पुलिस, मिलिट्री वगैरह में जाना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा काम जहाँ पर शौर्य और पराक्रम शब्द जुड़ता है, उनके लिए ये वक्त सोने पर सुहागा होगा। बात करते हैं पांचवें अंतिम शुभ संकेत की। तो पांचवा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा
गज के योग के रूप में, जब 5 और 6 सितंबर को चंद्रमा और देव गुरु बृहस्पति आपको आगे बढ़ने के इतने सारे रास्ते दिखाएंगे कि आप सफलताएं पाते चले जाएंगे या चले जाएंगी, आपके कदम सफलता की तरफ बढ़ेंगे, पीछे मुड़कर आप देखेंगे नहीं, आपके जीवन में भगवान आपको स्वयं रास्ता दिखाएंगे। और कैसे रास्ता दिखाएंगे? जैसे महाभारत में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने रास्ता दिखाया था, उनके सारथी बने थे, वैसे ही इन 2 तारीखों में भगवान आपके सारथी होंगे, आपको भगवान ज्ञान भी देंगे, सफलता भी देंगे, तरक्की भी देंगे और आगे बढ़ने का सही रास्ता भी दिखाएंगे। अब भगवान जब साथ हो गए, भगवान ने जब कमान अपने हाथ में ले ली, तो फिर मेरा ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा। तो 5 और 6 सितंबर आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाली है, तो याद रखिएगा इन सभी संकेतों को। तो उम्मीद करता हूँ इन संकेतों के माध्यम से आपके जीवन में वो क्रांति आए कि दुनिया में आपका नाम बड़ी इज्जत और प्यार से लिया जाए और आप सम्मानित भी हो, अपना भी नाम रोशन करें, परिवार का भी करें, देश का भी करें और खुश रहे। तो भगवान आपका है और भगवान ने ये सब कुछ आपके लिए बनाया है। आप संकेत उसने दिए हैं, चलना आपको है, माध्यम मुझे बनाया कि मैं आपको बताऊं। तो भगवान का धन्यवाद हम सभी मिलकर अदा करते हैं। आपको सफलता मिलेगी तो प्रसन्नता मुझको भी मिलेगी, और मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपको क्या क्या सफलताएं मिली। अब बात उन लोगों की कर लेते हैं जो कहेंगे हमें तो कुछ नहीं मिला, लगता है भगवान हम ही से रूठा बैठा है। तो भैया भगवान आपसे रूठा नहीं बैठा हुआ है, भगवान ये कहता है कि मैंने ज्ञान दिया, बुद्धि दी, जानकारी दी, पैसा दिया, धन दिया, दौलत दिया, रास्ते दिखाए, फोन मिलाओ, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर मिल रहा है ये भी एक संकेत है कि इस नंबर पे फोन मिलाइए और जानिए कि आपकी जन्म कुंडली में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है जिसकी वजह से आपको सुख नहीं मिल रहा है। जैसे ही नंबर मिलाएंगे, मेरी और आपकी बात होगी, अपॉइंटमेंट बुक होगी, एक समय सीमा, एक तय सीमा पर हम लोग बात करेंगे और बात करके आपकी कुंडली की विवेचना करेंगे, और फिर विवेचना करने के बाद देखेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कौन सा ग्रह ऊपर है, कौन सा ग्रह नीचे है, कौन सा ग्रह परेशान कर रहा है, और परेशानियों को समाप्त करेंगे उपायों के माध्यम से। फिर आपको बढ़िया संकेत मिलेंगे, बढ़िया सब कुछ आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। तो देर बहुत हो गई है, अब देर मत करिए, दिए गए नंबर पे तुरंत फोन करिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। मैं ईश्वर की कृपा से, ज्योतिष के ज्ञान से और अपनी समझबूझ से आपके ज्योतिषीय जो बुरे प्रभाव हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। हरिओम, नमस्कार।